साथियों एक बार आप राय हम आपके अपने नजर पर। जी हाँ साथियों, मंगल विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें एमपी विधानसभा चुनाव से पहले ये एक्शन, इसमें पिछले 10 दिनों में 81 करोड़ अधिक रुपए किए गए हैं जब्त। जी हाँ साथियों, जाने इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार कैसे होगा मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव। जी हाँ साथियों, बने रही न्यूज के साथ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ साथियों, बने रहिए न्यूज़ के साथ। हम आपको बता दें मध्य विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही भारतीय चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी। इसको देखते हुए मध्य विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण के पालन में बेहद सख्ती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें प्रदेश भर में पिछले 10 दिनों में 81 करोड़ 98 लाख रुपए के अधिक काले धन की जब्ती की जा चुकी है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुराग राजन ने कहा है कि जिलों में जितने भी अशांति पैदा करने वाले तत्व उन सबको पकड़कर जेल भेज दिया जाने वाला है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है मध्य विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण और आचार संहिता लागू कर दी गई है। जी हां साथियों, भाई आपको पता है 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच संयुक्त टीम ने 81 करोड़ 98 लाख 5,226 रुपए की अधिक जब्ती कर ली। वहीं आपको बता दें कि इस टीम ने 8 करोड़ 65 लाख बच्चों का 1,290 रुपये नकद और 17 करोड़ 29 लाख 90,980 रुपये मूल अवैध मदिरा जब्त कर लिया। जी हां साथियों, क्या इन सभी को देखते हुए क्या मध्य प्रदेश में बन पाएगी बीजेपी सरकार, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा। जय हिंद साथियों, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।